दोस्तों पेन ईयर बाई में जो आपने अकाउंट ओपन किया है इसका दोस्तों फाइनली एटीएम कार्ड आ गया होगा। तो दोस्तों इसका पिन किस प्रकार से जनरेट करनी है, यानी कि एटीएम कार्ड का पिन किस प्रकार से सेट करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी केयरफुली जरूर देखिए, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जो दिया गया है एक्सिस मोबाइल वाला ऐप, इस पर क्या करना है आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उभर के आएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर में ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन दिया गया है, नॉर्मली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे एमपिन पूछा जा रहा है, तो नॉर्मली आपको यहाँ पे एमपिन डालना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे हम फाइनली लॉगिन हो चुके हैं। अब दोस्तों लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे नीचे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोने में आपको दिख रहा है अकाउंट्स, इस पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उभर के आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अकाउंट दिया गया है, यहाँ पे एरो का साइन है, इस पर आपको नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं सर्विसेज, इस पर आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सर्विसेज वाला ऑप्शन उभर के आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों ऊपर में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 डॉट, इस पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 नंबर पे सर्विस एंड सपोर्ट, इस पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3 नंबर पे दिया गया है डेबिट कार्ड सेट रीसेट पिन, इस पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट डेबिट कार्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 डेबिट कार्ड शो करेगा। एक है ई डेबिट कार्ड, यानी कि ये जो कार्ड होता है ई डेबिट कार्ड, ये फिजिकल मोड में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप इस नंबर का यूज करके आप इस डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप एरो के साइन पर क्लिक करेंगे तो साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा वीजा बिजनेस क्लासिक डेबिट कार्ड, ये नॉर्मली यहाँ पे उभर के आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों नीचे में देख पा रहे हैं सेट पिन, इस पर क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है प्लीज़ इंटर 4 डिजिट पिन, और साथ ही बोला जा रहा है यहाँ पे प्लीज़ री इंटर 4 डिजिट पिन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी पिन आप ऊपर में डालेंगे सेम टू सेम वही पिन आपको क्या करना है फिर से री इंटर करना है यहाँ पे। इसके बाद नॉर्मली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल होगा उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो वो 1 टाइम पासवर्ड डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो एटीएम कार्ड है इसका पिन फाइनली सेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 24 घंटे के ठीक बाद आप इस डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।